ରାମମୟ ହେଲା ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ରାମଙ୍କ ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆମେରିକା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିଲା ମନ୍ଦିରଠୁ ଘର। ଚୈତ୍ର ଶୁଳ୍କ ନବମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଲାଗିଥିଲା ଲମ୍ବା ଲାଇନ। ବେଙ୍ଗାଳୁରୁ ପଦ୍ମନାଭ ନଗରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବେଶଭୂଷା ସହ ବାଜା ବଜାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ଝାଞ୍ଜ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବାଦ୍ୟର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ये हमारी हिस्ट्री है जो सबको पता होनी चाहिए, जो आजकल के बच्चे हैं उनको बिल्कुल पता नहीं होता है क्या हिस्ट्री है कैसे नहीं, क्या हमारे भगवान है, कैसे उनका अवतार हुआ, ये सब पता होना चाहिए। पुणे रे मध्य महा आडंबर रे पालन हो जाई छी राम जन्मोत्सव। खास करी पुणे रे रहुतवा काश्मीरी पंडित माने प्रभु गोपीनाथंक आश्रम रे पूजा अर्चना करिसेंती। प्राय 2500 काश्मीरी पंडितंक परिवार सह शामिल होइतिले स्थानीय लोके। एही उत्सव रे शोभायात्रा सह होम यज्ञ थिला मुख्य आकर्षण। सारे हमारे कश्मीरी पंडितों में, कश्मीरी हिंदुओं में बहुत ही हर्ष और उल्लास, बहुत ही खुशी है। और तीसरा ओकेजन ये भी है कि हमारी अभी 32 साल बाद जो बात होना शुरू हुई है कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, उसके वजह से भी आज वो भी एक खुशी का जरिया है। आज हम भगवान गोपीनाथ जी के यहाँ पे हवन भी हमने किया है। पवित्र वाराणसी शहर रे रामनवमी रे होइतला स्वतंत्र आयोजन। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମର ଧ୍ୱନି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରାମନବମୀରେ କନ୍ୟା ପୂଜା କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ऐसा ऐसा जन्म उत्सव, ऐसा जो किसी घर में बच्चा पैदा होता है हर साल मनाया जाता है, उसी हिसाब से हम लोग हर साल नवमी के दिन शाम को इसका भजन कीर्तन एक सोहर गा करके इसका मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य देशवासियों को जनाई श्री राम नवमी शुभेच्छा। जय श्री राम कहिबा सह देशवासियों सुख और समृद्धि कामना करिसेंती। राम नवमी अवसर रे गुजरात रो उमिया माता मंदिर 14वां प्रतिष्ठा दिवस रे जोग देथिले प्रधानमंत्री। मर्यादा पुरुषों जन्मदिन रे जय श्रीराम ध्वनि रे कंपिछि मंदिर परिवेश। त्याग धर्मर प्रतीक मर्यादा पुरुषों पूजिछि सारा विश्व। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।